वेलकम टू टॉक विद एसे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC के बारे में। UPSC की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और इसमें इन छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो कौन सी ये भर्ती है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा UPSC से भी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और यहाँ RO AR परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। ऑफिशियल नोटिस के जरिए ये जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। पहले बात कर लेते हैं UPSC के बारे में। UPSC की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से 30 सितंबर 2024 का नोटिस है। आवश्यक सूचना है, आयोग के विज्ञापन संख्या 15/6/2015 के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के नेतृत्वाधीन सर्वेयर के विज्ञापित जो 29 पदों के सापेक्ष चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 4/3/2024 से 7/3/2024 तक आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे इसी के बारे में जानकारी दी गई है। आगे, माननीय आयोग की बैठक में सर्वेयर के विज्ञापित 29 पदों अनारक्षित 14, अनुसूचित जाति के 9, अनुसूचित जनजाति का 1 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 के सापेक्ष 29 अभ्यर्थियों में अनारक्षित 14, अनुसूचित जाति 9, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 का अंतिम चयन परिणाम आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो ये अंतिम चयन परिणाम जो है ये घोषित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंटरव्यू लिया गया था। क्षतिज आरक्षण के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के विज्ञापित 1 पद तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रित श्रेणी के विज्ञापित 1 पद के सापेक्ष कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त 2 पदों के सापेक्ष अन्य अभ्यर्थी मेरिट के क्रम में चयनित हुए हैं। तो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। तो उक्त चयन परिणाम 2 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से चयनित हैं। इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों प्रमाण पत्रों के परीक्षाणोपरांत माननीय आयोग के निर्णय के अधीन है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यह परिणाम माननीय न्यायालय में प्रश्नगत चयन के संबंध में योजित एवं भविष्य में योजित होने वाली रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन है। तो यहाँ पे आ देख सकते हैं, ये अधीन है कोर्ट के, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि भविष्य में उक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अब अनिवार्य आयता आधारित ना होना पाए जाने पर अभ्यर्थन या चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तदनुक्रम में अभ्यर्थियों को इस द्वारा सूचित किया जाता है। विज्ञापन संख्या 15/6/2024 के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के नेतृत्वाधीन सर्वेयर के 29 पदों के सापेक्ष चयनित 29 अभ्यर्थियों का परिणाम 1 पृष्ठ तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या इतना जो यहाँ पे दिया गया है, दिनांक 30/9/2024 द्वारा संसूचित उक्त परिणाम में संबंध में कटाव 1 पृष्ठ यथार्थ आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड पर अपलोड कर दी गई है। ये वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परिणाम देख सकते हैं, ये आपका पंजीकरण संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ क्या गई है देख सकते हैं आप लोग। अनारक्षित की जो अंतिम चयन अभ्यर्थी के साक्षात्कार के हिसाब से 16 गई है। जन्मतिथि यहाँ पे देख सकते हैं, जन्मतिथि लगाई गई है। अनुसूचित जात की 12 गई है, अनुसूचित जनजाति की 15 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 15। तो ये कट ऑफ गई है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो महिला की कट ऑफ जो गई है वो सिर्फ 14 गई है। यहाँ पे जन्मतिथि भी देख सकते हैं और इनमें चिन्हित नहीं है या फिर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये UPSC के छात्रों के लिए खुशखबरी है। अंतिम चयन परिणाम और कटाव भी इतनी कम गई है, तो जिनका भी इसमें चयन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPSC के बारे में। ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है RO AR से रिलेटेड। तो इसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश UPSC से 30 सितंबर 2024 का शुद्धि पत्र है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन इतना दिनांक 9/10/2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। तदनुक्रम में संशोधन परीक्षा योजना निम्नवत है। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका प्रश्न पत्र का नाम, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द या ज्ञान या व्याकरण। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार और प्रश्न पत्र की संख्या 1 और प्रश्नों की संख्या 200, जिसमें सामान्य अध्ययन के कुल 140, सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर ये बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित अंक 1, प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 और समय अवधि 3 घंटा।
तो यहाँ पे 3 घंटे में 200 जो आपके प्रश्नों की संख्या है 200 ये आपको सॉल्व करना होगा। पहले क्या होता था, 2 पेपर होते थे एक ही दिन में, पहले जीके जीएस का ये पेपर होता था और फिर बाद में 1 घंटा का सामान्य हिंदी का पेपर होता था जिसमें 60 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अब इनको मिला के एक ही पेपर होगा 3 घंटे का और आपका 200 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना विज्ञापन संख्या इतने के दिनांक 9/10/2023 के अनुसार यथावत रहेगा, तो मुख्य परीक्षा का सेम रहेगा। बाकी जो प्री है उसमें 2 पेपर की जगह एक ही पेपर, उनको कंबाइंड कर दिया गया है। तो नोट धातव्य ध्यातव्य है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो सेम टू सेम वही रहेगा। अब इसमें क्या होता था, पहले 1 पेपर होता था, उसके बाद कुछ समय बाद थोड़ी देर बाद 2 से 3 घंटे का ब्रेक मिलता था, उसके बाद 1 घंटे का पेपर और होता था, तो उस चक्कर में छात्र रुके रहते थे और काफ़ी परेशान भी होते थे। और हिंदी का जब प्रश्न पत्र होता था तो उसमें बहुत ही जल्द आधे घंटे में बहुत आधा घंटा भी नहीं लगता था कुछ छात्रों को, और सॉल्व करके बैठ जाते थे, बैठे रहते थे। तो अब ऐसा है कि ये जो पूरा टाइम है हिंदी के लिए, जो टाइम है हिंदी का, आप बहुत जल्दी कर ही लेंगे, वो जितना भी टाइम बचेगा आप लोगों को जीके जीएस में वो टाइम दे सकेंगे। तो ये छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है, अगर यहाँ पे ये दोनों मिला दिए गए हैं तो जीके जीएस में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी और यूपीपीएससी की। बाकी यूपीपीएससी और अन्य भर्तियों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।